बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू आवर चैनल सबीन्स किचन। आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस रेसिपी का नाम चिकन नगेट्स है। सो आइए इसको प्रिपेयर करते हैं। और इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, नमक हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टी स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टी स्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टी स्पून। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी बोनलेस चिकन हाफ के जी, लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी इंग्रेडिएंट्स, इनकी क्वांटिटी मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी है। तो जब आप इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लें तो इसमें ऐड करूंगी मैं ब्रेड, और ब्रेड के यहाँ पे 2 स्लाइस ऐड कर रही हूँ। ब्रेड ऐड करने के बाद अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें, एंड देन इसमें मैं ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून। सो सॉसेस ऐड करने के बाद से अगेन ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी ग्राइंड हो चुका है, बिल्कुल इस फॉर्म में हो जाएगा। तब हम इसे इस शॉपर में डाल लें ताकि ये अच्छे से परफेक्टली जो है इसकी लेयर बन जाए। इससे क्या होगा, इससे जो आपके नगेट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल होंगे। तो उसके बाद इसमें कट कर लेंगे। तभी कट हो चुके हैं, तो अब मैं आती हूँ इसके कोडिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एग 1 अदद, काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून। तो इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क 2 टेबल स्पून। तो अच्छे से मिक्स कर लें। तो भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तब मैं नगेट्स की इसकी कोडिंग करूँगी। और कोडिंग बिल्कुल इस तरीके से करनी है ताकि वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची फ्राई हो जाए। तो कोडिंग कर चुके हैं हम नगेट्स की, अब आते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे मैं मीडियम लो फ्लेम पे इसे फ्राई करूँगी। उसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सो अब नगेट्स रेडी हैं, तो मैं इसे करती हूँ डिश आउट। बाकी के जो नगेट्स हैं वो हम फ्रीज करके रख लेते हैं। सो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, काइंडली आप उसे भी चेक करें। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।